हेलो एंड वेलकम दोस्तों, प्रकाश आर्यवेश म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूथ को पूरा हुआ उसके उपलक्ष में यहाँ पे सारे युवा साथियों, माताओं बहनों और जो इस कार्यक्रम को जो पीड़ा उठाने वाले हैं उनको मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह 100 साल पूरे हुए जो पहले पंच पटेल हमारे जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जो अंग्रेज लोग जमीन अपनी, पानी अपना, सारी खेती अपनी, जंगल अपना और कमाकर जो कमा के दूसरों लोगों को जो आक्रमण भोग दे रहे थे उसकी जो आज पीड़ा उठाई उनको मैं नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में मेरा तो समस्त आदिवासी भाइयों बहनों से यही निवेदन है कि जिस तरह अपने जो पंच पटेलों ने इस प्रकार जो पीड़ा उठाई थी, जो एकता उठाई थी, संगठन रखा, उसी तरह जो सारे युवा साथी लोग यहाँ जो उपस्थित हैं, अपना जो आदिवासी जो संगठन है सारे एक संगठन के साथ, पूरी एक टीम के साथ, बिना भेदभाव पार्टियों का, पार्टी आती है जाती है बिना पार्टी के, आज सिंबल जो अपना है वो आदिवासी एकता है, आदिवासी संगठन है। इसी संगठन के साथ सारे युवा साथी जुड़ के अपना काम करें और आदिवासी समाज का जो पीड़ा है वो संगठित रहकर इस पीड़ा को अपने को उठाए। तो मेरा आप लोग युवा साथियों और माताएं बहने यहाँ सारे उपस्थित हैं, इस पंडल के मार्फत से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि संगठन के साथ साथ एजुकेशन के प्रति अपनों को सबसे पहले ध्यान देना होगा कि एक परिवार चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो पढ़ लिख कर आगे आएगी तो जिस तरह अपन जो संगठन चला रहे हैं उस संगठन को वो सही मायने में समझ सके। पहले जो बड़े बुजुर्ग अनपढ़ थे बाकी होशियार थे, आज कहीं ना कहीं अपन आदिवासी अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, तो आज इस मंच से जो आपने आप लोगों ने जो पीड़ा उठाई है इस पीड़ा को आप संगठित रहकर समाज को भी आगे बढ़ाना है, समाज के साथ साथ पढ़ाई के प्रति, एजुकेशन के प्रति, बच्चों के प्रति, स्कूलों में कॉलेजों में अपना इस बच्चों को ध्यान रखना है कि बच्चे 12th के बाद 10th के बाद कहीं अगर भटक जाते हैं उन बच्चों को आप लोग को सही रास्ता सही मायने में सही एजुकेशन उनको मिले, अच्छे पोस्ट मिले, अच्छा एजुकेशन उनको मिले ताकि वो समाज का एक प्रतिनिधि के रूप में आगे आए, तभी समाज अपना आगे बढ़ेगा। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जिस तरह पंच पटेलों ने जो बड़े बुजुर्गों ने जो गुलामी की तरह जो उन्होंने जो एक संगठन की तरह जो शहीद हुए थे, इसी तरह आप लोगों को भी अगर कहीं किसी चीज की अगर जरूरत है तो सारे युवा साथी एक साथ में जुड़कर किसी भी को तकलीफ आए तो जहां तकलीफ है वहां एक फोन करें और सभी वहां उपस्थित होए, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। चाहे एसपी साहब हो चाहे कलेक्टर साहब हो, किसी आदिवासी भाई की जरूरत पड़े कहीं अगर लड़ाई लड़ने की तो एक फोन से संगठन का मजबूत रखे, एक फोन से चाहे कलेक्टर साहब कार्यालय पर अगर धरना देना है या एसपी साहब के वहां तो संगठित रहकर अपन वहां अगर एकत्रित हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश चंद्र भील और आप देख रहे हैं प्रकाश म्यूजिक एंड फिल्म। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। आज इस मंच पे मुकेश जी ने हमारे को बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और समय समय अनुसार समाज का जो मामला उठता है, आदिवासी समाज का मामला उठता है, हमेशा आपके साथ हैं और साथ में रह के समाज को अपन आगे बढ़ाएंगे। इसी के रूप में मैं सबसे नमन करता हुआ मेरी वाणी को विराज देता हूँ। जय आदिवासी, जय जोहर। खूब खूब जोहार प्रधान साहब लीलाराम जी, ग्रासिया को
जिन्होंने समाज को एकत्रित करने, संगठित करने और हर समय अपने तरफ से मदद करने का जो वादा किया है, यहाँ जो वादा उन्होंने अपने हर किसी को कहा है कि अपन हर किसी को संगठित होना है, तो हमें वास्तव में होना है, जरूरी है ये। और अभी हमारे बीच में शहीद स्मारक पर और यहाँ पर तिलक कर इनका स्वागत करेंगे। और इसी के साथ में मैं आगे की कड़ी में हमारे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट और कोटा तहसील से पधारे राजू भाई बाखेल, आपके वहां की समस्या के बारे में जानकार करवाना दादा भी हैं और आपकी समस्या आगे तक भी पहुंचाएंगे और आपके वहां पर भी आएंगे, एक बार आपकी समस्या के बारे में बताना और यहाँ के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है? हाँ, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। एक बार वीर शहीदों की धरती पे सभी दूर से पधारे हुए जनप्रतिनिधि, समाजगण और सारों को मेरी ओर से सच सच नमन। आज देश आजाद होने के बाद मुझे गर्व है कि मेरी आदिवासियों की धरती पर आज मुझे वीर शहीदों की धरती पर मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं देश आजाद होने के बाद मैं तरह से आता कि मुझे कब मौका मिले, कब बोलने का मौका मिले। आज 1947 के बाद आज 2022 में मुझे मौका मिला है, तो मेरे वीर शहीदों की धरती पे आज मैं खुला बोलूंगा और चेतावनी भी दूंगा। मैं चेतावनी इसलिए दूंगा क्योंकि अभी जो बजट घोषणा में राज्य सरकार ने दो बात स्वीकृति करी है, उस बात में नौ पंचायतें के लोग विस्थापित हो रहे हैं और 23 गांव। मुझे दुख है, अंग्रेजों के शासन में भी हमने कई दुख झेले और आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन अब हम दुख झेलने वाले नहीं हैं, कई दुख हमने झेले हैं। यहाँ 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमारे अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को पूछ के बाद किससे पूछा था, जो इसे घोषणा करी है यहाँ वीर शहीद हुए थे उसी प्रकार से हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। लिए तो लाखों के शहीद, लाखों की तादाद में शहीद होंगे। यहाँ की 9 पंचायतें आज विचार करो, एक घर का ही लड़ाई झगड़ा होता है उदाहरण के तौर पे, दूसरे गांव में विस्थापित हो जाता है तो उसे उस घर को बहुत दुख होता है, उसके जीने के लिए फाफे पड़ जाते हैं, कहां जाएगा वो। तो उसी प्रकार से हम 9 पंचायतों के लोग आज विस्थापित होने के लिए तैयार हैं। अगर ये दर्द बैठे हैं, अगर ये सहयोग नहीं करते हैं तो हम बिन पानी के मछली की तरह तरस तरस के मर जाएंगे। आपको सहयोग करना होगा, जहां चाहे किसी भी पार्टी के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, बीटीपी के हो, आम पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, समाज को कंधे से कंधे मिलाकर मेरा सहयोग देना होगा, नहीं तो मैं विस्थापित होकर कहां जाऊंगा। आप मुझे बताओ मैं कहां जाऊंगा। अगर आप सारे आदिवासी कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलेंगे तो ये भले 5वीं अनुसूची हो, 6ठी अनुसूची हो, ये अभी इनकी मनमर्जी चला रहे हैं, लेकिन मनमर्जी नहीं चलाने देंगे, नहीं चलाने देंगे। और अभी तो यहाँ है वीर शहीदों की भूमि पे मैं मात्र ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि डैम मेरे राजस्थान में कोटड़ा तहसील में बन रहा है, ये तो वीर शहीदों की भूमि है, इसलिए मैं इतना नहीं कहूंगा। इसी तहत मेरी आवाज को मैं यही विराम दूंगा, क्योंकि मेरे
अभी मीटिंग कोटला तहसील में रखनी है। सभी जनप्रतिनिधि पधारे हुए हैं, उनको मैं सभी ये बैठे हुए उनको भी कह रहा हूं, जब मेरे कोटा ब्लॉक में मीटिंग है तो सबको आना है और सरकार को ताकत बतानी है कि कौन सा क्षेत्र है, 50 से ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र हो वहां सरकार की कोई मनमर्जी नहीं चलती है, लेकिन मनमर्जी चला रही है, वहां बात बना रही है। मैं पूछ रहा हूं कि किसे पूछा, हमारे वहां के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, कोई कहता है कि मैं बाद में नीम बन रही है उस नीम में चो जाऊंगा, कोई कहता है मैं गोली खाऊंगा। अरे भाई गोली खाने की काम नहीं है, अपन को एकजुट होकर लड़ना है। अगर सरकार मानती है हमारी बातें, अगर वहां से अगर सरकार ने पलन बना दिया है कि यहां से विस्थापित हो रहे हैं, तो मैं भी सरकार के सामने मेरी तीन बातें रखता हूं। अगर वो तीन बातों से अगर सरकार सहमत है तो जहां सरकार जहां रखे वहां में विस्थापित होने के लिए तैयार हूं। अगर मेरी तीन बातें अगर सरकार नहीं मानती है तो खून के बदले खून बहेगा, हम कतई नहीं वहां से हिलेंगे। तो मेरी पहली मांग है प्रत्येक राशन धारक को नौकरी दी जाए, जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान, तभी हम विस्थापित होंगे, अन्यथा विस्थापित नहीं होंगे। ये मेरी तीनों मांग रहेगी। राज्य सरकार कान खोल कर सुन ले या केंद्र सरकार कान खोल कर सुन ले, ये मेरे तीनों ही मांगे हैं। इन मांगों को अगर तुम मानते हो तो जाओ, आप किसी भी पहाड़ पे बैठा देना, हम दो आदिवासी हैं, बिन पानी से भी जी लेने की आदत पड़ गई, हमें आदत पड़ गई है, हम जी लेंगे कहां भी, लेकिन या से उठो यूं कहने से उठने वाले नहीं है। तो इसी से इसी माध्यम से मेरी बात को यही मैं विराम दूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल्डर। बहुत बहुत धन्यवाद।